अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो मैं हूँ शगुफ्ता अली और आज हम इन डिज़ाइन की सीरीज़ को जो है वो कैरी ऑन कर रहे हैं आगे। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। सो अपना लेक्चर इन डिज़ाइन का स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो टूल्स कवर किए थे, आज हम एक नया टूल कवर कर रहे हैं जो हमारे विंडोज़ के टैब के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर एक टूल है हमारे पास स्टाइल्स के नाम से। स्टाइल्स एक कह सकते हैं कि एक तरह की एक नई आपके आपको सुनने को मिलेगा, स्टाइल्स पैराग्राफिंग, स्टाइल करेक्टर्स एंड स्टाइल्स ऑब्जेक्ट। इससे पहले आपको एलिस्ट्रेशन के अंदर और ना ही आपको जो है वो एडोब फोटोशॉप में ये चीज़ पहले देखने को मिली होगी। तो यहाँ पर आज हम पैराग्राफ स्टाइल्स, इसकी शॉर्टकट की है F12, आज हम पैराग्राफ स्टाइल्स को देखते हैं। और अगर आप F12 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो भी पैराग्राफ स्टाइलिंग आपके पास ओपन हो जाएगा। सो लाइक दैट। अच्छा, सो व्हाट इज़ द पर्पस टू यूज़ द पैराग्राफ स्टाइलिंग? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, इन डिज़ाइन के अंदर अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे हैं, और आप सॉर्ट ऑफ हेडिंग्स बना रहे हैं अपने काम के अंदर, और आप ये चाहते हैं कि आप अब बार बार उन हेडिंग की फॉर्मेटिंग, उन हेडिंग का लुक्स और उन्हीं हेडिंग का स्टाइल जो है वो आपको रीराइट या रीडिज़ाइन करना ना पड़े, तो उसके लिए आप पैराग्राफ स्टाइलिंग को यूज़ करते हैं। अब ये होगा कैसे यूज़? देखिए, यहाँ पर आपने साइट पर इस पैन को एक्टिव कर लेना है, क्योंकि अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द पैराग्राफ स्टाइलिंग, तो हम करेक्टर स्टाइलिंग पे अभी बात नहीं कर रहे हैं। सो मैंने पैराग्राफ स्टाइलिंग को यहाँ पर ओपन कर लिया, और यहाँ बिल्कुल बॉटम पे यहाँ लिखा हुआ क्रिएट न्यू स्टाइल्स। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट टूल उठाया, मैंने टेक्स्ट टूल के अंदर मैंने ड्रॉप किया इस टूल को, और यहाँ पर मैंने कुछ सॉर्ट ऑफ हेडिंग्स लिखी, हेडिंग नंबर 1, या मैं इसको कैप्स लॉक में लिख देती हूँ। हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, और टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी सेम वही जिस इलस्ट्रेशन में पीएस में थी, सिमिलर। ओके, अब मुझे पता है कि मैं अपने कंटेंट में हेडिंग्स के ऊपर ज़्यादा बात करूँगी। तरीके से अगर मैं हेडिंग का अगेन हेडिंग को मैं थोड़ा सा अगर बोल्ड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल अपनी मर्ज़ी से ऐड ऑन करा सकती हूँ। सो मैं जाके यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट स्टाइल ऐड कराऊँगी, एंड देन हेडिंग मेरे पास यहाँ पर एक्टिव हो गई। अब इसी हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू स्टाइल पर क्लिक करेंगे। सो मेरे पास ये पैराग्राफ स्टाइलिंग आ गया, डबल क्लिक करें इसके ऊपर, एंड इफ़ यू वांट टू एडिट द हेडिंग तो आप इसकी हेडिंग्स भी ऐड, ताकि रिकॉलिंग रहे। तो यहाँ पर आकर आप H1 इसका नाम रख दें अपने लिए। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें, आपके साइड पेन पे टैब्स है, और पैराग्राफ रूलर्स हैं, पैराग्राफ बॉर्डर है, शेडिंग है, कलर्स, करेक्टर कलर चेंज करना चाहें आप यहाँ से, तो वो एक फ़िक्स कलर, फिक्स सेटिंग्स आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, और आप उसी फिक्स स्टाइल को बहुत सारी हेडिंग्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सो मैंने यहाँ पर एक कलर ले लिया, देन आई क्लिक ऑन दी ओके। सो मेरे पास H1 की हेडिंग आ गई, ठीक है जी। तो मैंने H1 की हेडिंग को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। इसी तरीके से अगेन मैंने सेकेंड हेडिंग लेनी है, और मैंने अगेन टेक्स्ट फ्रेम लिया, और टेक्स्ट फ्रेम लेने के बाद मैंने इस टेक्स्ट फ्रेम को ड्रॉप किया अपने वर्क के ऊपर, और मैं भी यहाँ पर सब हेडिंग्स लेना चाह रही हूँ। सब हेडिंग्स के लिए मैं यहाँ पर हेडिंग पुट कर रही हूँ, और मैंने थोड़ी सी इसकी जो साइजिंग है वो छोटी कर दी है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर हेडिंग्स के ऊपर जो है वो वर्क किया है। सो अगेन यहाँ पर मैं अगेन क्रिएट टेक्स्ट स्टाइल पर आ गई, और यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल पर अगेन डबल क्लिक करेंगे आप, ताकि आप इसको रीनेम कर सकें। और यहाँ पर आकर मैंने
सब वन दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी सब वन हेडिंग के ऊपर मैं जो भी सेटिंग्स करूँगी अपने हिसाब से, लाइक मैंने कंट्रोल से सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कोई भी सेटिंग्स वगैरह अप्लाई करनी है, सो मैंने इसके ऊपर इसको सेट करा दिया, ठीक है। सो ये हेडिंग मेरे पास आ गई है जिसका नाम S1 था, ठीक है। और अगर मैं इस करेक्टर की कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई, और स्ट्राइक अगर मैं स्ट्राइक थ्रो या अंडरलाइन देना चाहूँ तो मैं अंडरलाइन इसकी ऑन कर लेती हूँ, एंड देन कलर येलो, ओके ठीक है, फाइन है। सो थोड़ा सा मैं इस टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज करना चाहूँगी तो मैं इस टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज 36 आई थिंक इट्स क्वाइट एनफ फॉर मी लाइक दैट, ठीक है जी। सो यहाँ पर हेडिंग वन एंड सब हेडिंग्स, मेरे पास दो हेडिंग्स अप्लाई हो चुकी हैं। इस तरीके से अगेन मैं एक सिंपल बॉडी एरिया लेती हूँ, उस पर डबल क्लिक करूँगी मैं, और यहाँ पर आके मैंने इसको पैराग्राफ का नाम दे दिया, और पैराग्राफ में मैं कलर करेक्टर कलर फ़िलहाल ब्लैक ही रख रही हूँ, और अगर मैं अंडरलाइन देना चाहूँ अंडरलाइन दे देते हैं, एंड देन ओके, तो दे आर ऑल द फॉर्मेटिंग एज वेल। तो जो मैंने पैरा लिखा, अब मैं उसको सेलेक्ट करके टैक्स मुझे रिक्वायर्ड है मैं टाइप पर आई, और फिल विद प्लेस होल्डर टैक्स, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स होता है। देखिए जैसे मैंने अप्लाई किया जो पैरा की हेडिंग थी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एप्लीकेबल। देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं आप काम, कि आप पहले स्टाइल्स क्रिएट कर लें एंड देन आप उन स्टाइल्स को कॉल करें, एक मेथड आपके पास ये भी है। तरीके से अगर मैं इसको अरेंजमेंट करना चाहूँ तो मैं इसको अरेंज करके दिखाती हूँ आपको। हेडिंग वन आ गई मेरे पास, सब हेडिंग, एंड देन मेरे पास मेन हेडिंग आ गई, इसको मैंने हेडिंग वन का नाम दिया, ओके। अब अगर मुझे ये चीज़ दोबारा चाहिए किसी और मेथड या किसी और फॉर्मेटिंग के अंदर, मैंने टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल पे लिखा, सो आई जस्ट क्लिक हेयर द हेडिंग टू, मैंने इसको रख लिया। अब ये स्टाइलिंग जो मैंने हेडिंग वन पे अप्लाई की है, आई वांट टू अप्लाई द सेम स्टाइलिंग, मैंने जैसे H1 पे क्लिक किया वही सेम स्टाइलिंग मेरी जो हेडिंग वन पे थी वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गई। इसी तरीके से अगर मैं अगेन टेक्स्ट टूल लेती हूँ और मैंने फिर कोई पैराग्राफ राइट डाउन करना है बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ, सो मैं लेआउट पर आई, सॉरी मैं टाइप पर आऊँगी और यहाँ फिल विद प्लेस होल्डर टैक्स से मैंने इसको फिल किया। फिल करने के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लेती हूँ। रिसाइज करने के बाद इस टेक्स्ट को मैं सब हेडिंग में देना चाहती हूँ, तो यू कैन सी इजीली कि किस तरीके से आपकी पैराग्राफ स्टाइलिंग जो भी आपने फॉर्मेटिंग फिक्स की है तो आपको बार बार हेडिंग को, पैराग्राफ को या सब हेडिंग को रीस्टाइलिंग या रीफॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल था इन डिज़ाइन के अंदर जो मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह स्टाइल्स ही को और देखेंगे जिसमें करेक्टर स्टाइलिंग और ऑब्जेक्ट स्टाइलिंग आता है, उस पर हम किस तरह से काम करते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।